बहुत ही जानी मानी कहावत तो आपने सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये कहावत के साथ साथ सच्चाई भी है। हाथी के पास दांत के दो सेट होते हैं, एक सेट मुंह के अंदर और एक सेट बाहर होता है। खाना खाने और चबाने के लिए मुंह के भीतर वाले दांत काम आते हैं, जबकि बाहर वाले दांत खाने और चबाने में हाथी की कोई हेल्प नहीं करते। तो क्या हाथी के बाहर वाले दांत सिर्फ दिखावे के होते हैं? नहीं, हाथी के मुंह के अंदर वाले दांत जितने काम के होते हैं, बाहर वाले भी उतने ही जरूरी होते हैं। असल में बाहर वाले दांत बहुत मजबूत होते हैं और ये इनका प्रयोग अपने नन्हे बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में करते हैं। इन दांतों को वे धरती के नीचे की जड़ों को खोदने के काम में भी लेते हैं। इन नुकीले दांतों की सहायता से हाथी दुश्मनों से अपनी रक्षा भी करता है। इतना ही नहीं, हाथी की मौत के बाद ये दांत इंसानों के भी बहुत काम आते हैं। ये बहुत कीमती होते हैं, जिनका यूज़ डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में भी किया जाता है। हाथी ही एक अकेला ऐसा जानवर है जिसके चार घुटने होते हैं और वो कूद नहीं सकता, इसीलिए चेस बोर्ड पर भी हाथी को सीधा ही चलाया जाता है। कहने का मतलब साफ है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते जरूर हैं, लेकिन दिखाने के दांत भी उतने ही काम के होते हैं जितने खाने के। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।